आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पीएम मोदी 11 दिसंबर को महाराष्ट्र के नागपुर का करेंगे दौरा, 75,000 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। बारह दिसंबर को सातवीं बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी तैयार, 20 कैबिनेट मंत्रियों के साथ भूपेंद्र पटेल लेंगे सीएम पद का शपथ। 15 अगस्त तक पूरे देश में खोले जाएंगे 1000 खेलो इंडिया केंद्र, लोकसभा में बोले अनुराग ठाकुर। फरीदाबाद में वितरण किए गए आयुष्मान गोल्डन कार्ड, केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया वितरण। रोहित की जगह ईश्वरन टेस्ट टीम में शामिल, समीर जडेजा को रिप्लेस कर सकते हैं सैनी और सौरभ कुमार। प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। संबल के गुन्नौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं का आलम यह है कि न मरीज को सही इलाज मिल रहा है, न ही समय पर दवा दी जा रही है। जो मरीजों की सुविधा मिलनी चाहिए उसको लेकर जिम्मेदार डॉक्टरों ने अव्यवस्थाएं फैला रखी है। ये मामला अखबार चैनलों पर खबर प्रकाशित होने के बाद सीएमओ तन्नुम राजा गुन्नौर सीएससी का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान कुछ डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं मिले, मरीजों को फार्मासिस्ट दवाई देते नजर आए। इतना ही नहीं, जब सीएमओ ने ड्यूटी रजिस्टर चेक किया तो एक डॉक्टर 9 दिन से लगातार छुट्टी पर चल रहा था। आजमगढ़ के लोहरा फखरुद्दीनपुर गांव में इन दिनों डीजल और पेट्रोल से निजात पाने के लिए एक युवक ने ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक तैयार कर दी जिसमें एक नहीं दो नहीं पूरे 6 सीट पर लोग बैठकर मात्र 10 रुपए में 160 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक जिस शख्स ने इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है वो IIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक बाइक की चर्चा पूरे इलाके से लेकर देश भर में हो रहा है। बहुत खुशी की बात है, बहुत हमारे गांव के बगल का लड़का है और एक नई चीज़ बनाया है, नई की यूनिक चीज़ है, बहुत खुशी की बात है। इससे लोगों को, देशवासियों को, सारे लोगों को एक सुविधा होगी, पेट्रोल से मुक्ति मिलेगी, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगा, तो अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है जी। और ये कब से बना रहा है, क्या जाना है? ये लड़का बचपन से टैलेंट है इसके अंदर। अभी तो बाइक एक बनाया है, वो भी इलेक्ट्रिशियन बाइक है। एक साइकिल बनाया है जिसे एक्सेलेटर, आप साइकिल चलाएंगे मतलब पैंडल मारते मारते आपका पाँव दुखने लगा तो उसमें एक्सेलेटर की भी फैसिलिटी है। वह हर तरह की चीज़ बनाता है, इसके पास वेल्डिंग मशीन है, ड्रिल मशीन है, हर तरह के इक्विपमेंट है और कंप्यूटर है। डेली काम उसका बनाना बिगाड़ना, वो अच्छे से अच्छी चीज़ बना रहा है, बिगाड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है और हमारी शुभकामनाएं हैं वो आगे बढ़े और हमारा पूरा सपोर्ट है वो आगे बढ़े जी। ये दिन ब दिन जो पेट्रोल के प्राइसेस इतने हाई हो रहे हैं, महंगे हो रहे हैं दाम पेट्रोल के, तो वो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी सस्ती चीज़ बनाई जा सके जिससे कि कई लोग एक साथ जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, तो ये दिमाग में रख के मैंने ये साइकिल बनाई है। क्या इसमें लागत लगी? जी इसमें 10 से 12 हज़ार लागत आई है और सारे पार्ट्स जो है इसके सामान मैंने कबाड़ से लेके बनाया है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। फरीदाबाद में सिविल अस्पताल बादशाह खान में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने चिर आयु योजना के तहत आयुष्मान गोल्डन कार्ड वितरण किए। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत के तरह आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला देश में गरीबों की स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। मनोहर सरकार अधिक से अधिक गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मुहैया कराने के उद्देश्य से बीपीएल परिवारों को वार्षिक आमदनी सीमा को बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए किया है। हमारी बड़ी की लोकप्रिय विधायिका बहन सीमा दिखा जी, हमारे जिला के उपायुक्त श्री विक्रम सिंह यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई गोपाल शर्मा जी, यहाँ के CMO साहब विनय गुप्ता जी और
आए हुए सभी अधिकारीगण, प्यारे भाइयों बहनों, पत्रकार, आप सब जानते हैं आज का कार्यक्रम रायबरेली में 3 साल पहले खाद्य विभाग ने कुछ मसालों के नमूने भरे थे जिनकी जांच रिपोर्ट बेहद डरावनी है। जांच के बाद सामने आया कि यह वह मसाला है जो एक्सपायर होने के चलते नष्ट किया जाना चाहा। काले कारोबारी इन मसालों को नष्ट करने की जगह बीच के कर्मचारियों से मिलकर इन्हें इकट्ठा करके बेच देते थे। यही एक्सपायर्ड मसाला उस वक्त खाद्य विभाग के उस वक्त निशाने पर आ गया जब इसे लखनऊ से प्रयागराज भेजा जा रहा था। जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे धंधे में लिप्त व्यापारियों पर FSD ने 15 लाख का जुर्माना लगाया है। यूटिलिटी वैन को पकड़ा गया था गंगागंज में और जांच कराई गई थी, तो लगभग 2.5 टन ड्राई मिक्स मसाला, ड्राई टोमेटो मिक्स मसाला और ड्राई मैगी मसाला था, जिसमें ओम ट्रेडर्स पार्टी जो सप्लायर थे लखनऊ के और उसको प्राप्त करने वाले श्रद्धा फूड्स इलाहाबाद नैनी के थे, जिसमें से तीन नमूने लिए गए थे। तो प्रत्येक नमूने में उन ट्रेडर्स पर 1.5 लाख रुपए और उनके सेलमैन पर 50। लखनऊ में विकास नगर स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में अवधि कहानी लेखन तथा अनुवाद कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला का आयोजन अवधि अध्ययन केंद्र उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में प्रधानाचार्य कुसुम वर्मा द्वारा कराया गया, जिसमें विद्यालय की सभी छात्राओं ने अवधि भाषा को सुना और समझा। साथ ही अवधि अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष प्रदीप सारंग ने कार्यशाला के तहत विद्यालय की बालिकाओं को अवधि भाषा के बारे में जानकारी दी। भाषा सिखाना जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी जो हमारा क्षेत्र है ये विशेष रूप से अवधि अवध का ही क्षेत्र है और अवधि यहाँ की प्रमुख बोली है। कॉलेज में इसलिए करा रहे हैं ताकि बच्चे आजकल इतना ज़्यादा मोबाइल पे रहते हैं, मोबाइल हटा दिया जाए तो मुझे लगता ही नहीं कि उनके अंदर कोई इमेजिनेशन भी हो पाता है। तो कहानी लेखन वाचन की ये कार्यशाला मैं करवा रही हूँ जी। अवध भारती संस्थान पिछले 32 सालों से उत्तर प्रदेश में अवधि के उन्नयन और विकास के लिए काम कर रही है। अवधि अध्ययन केंद्र वही का एक संस्था है, विंग है। अवधि अध्ययन केंद्र का काम है अवधि लिखे सिखावे, अवधि पढ़े सिखावे, अवधि बोले सिखावे। तो आज राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विकास नगर के सभागार में यहाँ के छात्राओं का अवधि लिखे विशेषकर कहानी और अनुवाद। रायबरेली के बछरावा कोतवाली क्षेत्र में मदन टूसी के CSC में एक महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि प्रसूता को सुबह 8 बजे प्रसव पीड़ा होने पर CSC में भर्ती कराया गया था। 12 बजे बेटे के जन्म के बाद प्रसूता की मौत हो गई, जबकि महिला डॉक्टर पारुल सिंह ने मौत के बाद सहमति पत्र पर परिजनों से हस्ताक्षर करा लिए थे। फिलहाल सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जौन है जैसे लड़का पैदा भा जैसे जौन है जो अंदर नर्स है कहन की उनका क्या नाम है नर्स का उनका हमको नहीं मालूम क्या नाम है, हम तो आपका जानकारी नहीं, कम से कम उनका डॉक्टर बुलाओ, हम जीजा दौड़ के गए बुलावे डॉक्टर नटवैन कहीं हैं जी। तो वो जौन पल्ला जौन है बंद कर लेने वो अंदर फोन में बात करें डॉक्टर हाँ, तो हम पल्ला खोली तो पल्ला फिर बंद कर लिए। आपको रेफर करने का समय क्या बताया, जब बच्चा हो गया उसके बाद बोले कि आप लेके जाओ? नहीं, रेफर करने के लिए बोली। अच्छा, फिर बच्चे जब हो गए उसके बाद हमको ये बताया कि मतलब उनको BP ज्यादा आई हो गए जी, हमको ले जाना पड़ेगा। हमने कहा आप बताइए, हम तुरंत ले जाने के लिए तैयार हैं। कौन सी डॉक्टर थे भैया? पारुल मैडम थे, उनके साथ एक लोग और, मुझे नाम नहीं। अच्छा, पारिवारिक पड़ोस की जी।
क्या हुआ? इनको कल आज सुबह लेकर के लोग आए 8 बजे करीब जी, उसके बाद ये देखभाल पता नहीं किस तरह इन लोगों ने किया, उसके बाद 12:30 बजे डिलीवरी हुई, उसके बाद बता दिया खत्म हो गई। बच्चा है? हाँ बच्चा है जी। ये महिला खत्म हो गई। गाजियाबाद थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में सोसाइटी के अंदर टहल रहे पति पत्नी की कार सवार ने जोरदार टक्कर मार दी है। बता दें कि शख्स को टक्कर मारने के बाद भी कार सवार कई बाइक से भी टक्कर मारी, जिसके बाद सोसाइटी के लोगों की मदद से शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक घायल हुआ शख्स पेशे से प्रोफेसर है। रायबरेली में उचाहार कोतवाली क्षेत्र के गंगागढ़ गांव में एक युवक का शव बाग के पेड़ पर संदिग्ध अवस्था में लटकता हुआ मिला। शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान गांव के ही एक शख्स की शक्ल में की गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रायबरेली में बछरावा थाना क्षेत्र के लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर सड़क हादसा हो गया। बता दें कि सड़क किनारे खड़े रोटावेटर से एक के बाद एक दो बाइक सवार 4 युवक टकरा कर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आनंद फानंद में आसपास के लोगों ने घायलों को पुलिस की मदद से CHC बछरावा पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने इलाज करने के बाद एक युवक जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। आ रहे थे किसी शादी के खड़े ट्रैक्टर पर ठोकर मार दी, तो उसमें से 3 लोग तो मामूली चोट आई है, एक को पैर में काफ़ी चोट दिया गया है, तो उसका प्राथमिक उपचार करते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। रायबरेली में उचाहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे में स्थित बस अड्डे पर प्रयागराज से लखनऊ जा रही रोडवेज बस में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से यात्रियों में हड़कंप मच गया और बस से यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कैसे उतरे फिर आप लोग? कैसे क्या हो गया? कुछ नहीं, गाड़ी अचानक ब्रेक लेने पर इमरजेंसी ब्रेक औरत लगाने के चक्कर में ब्रेक स्टेयरिंग जाम हो गई ब्रेक लेने पे, फिर बस फिर वहीं पे खड़ी हो गई गाड़ी और वायरिंग फिर चल गई। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।